वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। मेरा नाम है हमदा शेर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, अमेरिका और यूरोप जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के खिलाफ योजना प्लान वगैरह बनाते रहते हैं, खासकर इंडिया के भी हो गया। मतलब चाइना रशिया इनके खिलाफ तो सारा काम करते हैं, हाथ से जाने नहीं देते। तो मतलब कोई योजना बनाई हुई थी अमेरिका और यूरोप ने मिलकर, लेकिन उसके ऊपर पानी फेर दिया टोटली अकेले सिर्फ भारत ने। मतलब सिर्फ अकेले भारत ने उस पूरी की पूरी योजना को चौपट करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। वो कौन सी योजना, ये तो हम वीडियो देखकर हमें सही से पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है भाई, अकेला भारत इन सब पे भारी पड़ गया। बिल्कुल, देखते हैं किस मामले में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका और यूरोप को उम्मीद थी कि अगर वो सब यूनिटी दिखाकर एकजुट होकर रशिया का माल नहीं उठाएंगे तो उससे रशिया को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो की सारी प्लानिंग के ऊपर अकेले भारत ने पानी फेर दिया है। नो डाउट कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने के कारण रशिया के रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ा है, उसको नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन रशिया को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितने की अमेरिका, यूक्रेन या फिर नाटो देश उम्मीद कर रहे थे, या फिर रशिया घुटनों के ऊपर आ जाता। नंबर गेम्स के अंदर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश ऐसे उलझ गए हैं कि रशिया के सामान को वॉकआउट करने से नुकसान रशिया को नहीं उल्टा उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन है 45 करोड़, और अगर इसमें अमेरिका प्लस ब्रिटेन प्लस कनाडा की पॉपुलेशन को ऐड करें तो टोटल बनता है 88 करोड़। यानी ये जो सभी नाटो देश हैं और यूरोप के देश जो आज की डेट में एक साथ मिलकर एग्रेसिव तरीके से रशिया को बॉयकॉट कर रहे हैं, इनकी आबादी कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी कम है, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। रशिया के क्रूड ऑयल, गैस और कोल को बॉयकॉट करने से इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और जो बाकी देश ये सारी कमोडिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने सप्लाई को कम करके प्राइसेस को मैनिपुलेट कर दिया है, जिसके कारण यूरोप के सभी देश आज के डेट में महंगा क्रूड ऑयल, महंगी गैस और महंगा कोल परचेज करने के लिए बाध्य हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम चाइना को यहाँ पर निगलेक्ट करके साइड पर भी रखें और बस अकेले भारत को ही कंसीडर करें तो भारत के पास 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाला मार्केट है। हमारी नीड्स बहुत ही ज्यादा है। हम जब भी विदेशों से कुछ परचेज करते हैं तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है, जबकि रशिया को बॉयकॉट करने वाले सभी देशों की पॉपुलेशन 100 करोड़ के आसपास है, जो अकेले भारत से भी बहुत ही कम है। यूरोप के सभी देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के क्रूड ऑयल को बॉयकॉट करना शुरू किया था तो वो गैप फिल कर दिया है भारत ने। जो क्रूड ऑयल रशिया यूरोप को बेच रहा था वही उसने डाइवर्ट करके भारत को बेच दिया, जिसकी वजह से रशिया को होने वाला नुकसान बहुत ही हद तक कम हो गया। एक साल पहले तक हम रशिया से अपना मात्र 1% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, जबकि आज ही परसेंटेज 18% तक पहुंच गई है, और रशिया इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। अब सेम स्टोरी कोल को लेकर भी रिपीट हो रही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से हर साल $4-5 बिलियन का कोल परचेज किया करते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपियन यूनियन के देश अब रशिया को बॉयकॉट करके अफ्रीकन देशों से कोल परचेज कर रहे हैं। यूरोप के देशों को लगा था कि क्रूड ऑयल के साथ साथ रशियन कोल को बॉयकॉट करने से रशिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन सात समुद्र पार बैठे भारत ने रशिया को रेस्क्यू कर लिया है, यानी रशिया को बड़े संकट से बचा लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक क्रूड ऑयल के बाद अब रिसेंट वीक्स में रशिया से कोल इंपोर्ट्स बहुत ही तेजी से बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया भारत को क्रूड ऑयल की तरह कोल के ऊपर भी ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कोल के ऊपर मार्केट रेट से 30% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद पिछले 20 दिनों में भारत ने रशिया से लास्ट ईयर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा कोल परचेज कर लिया है। सोर्सेस का कहना है कि रशिया के ट्रेडर भारत के साथ पेमेंट को लेकर बहुत ही लिबरल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। भारत रशियन करेंसी रूबल्स में पेमेंट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि रूबल्स काफी फ्लक्चुएट कर रही है और पेमेंट के लिए डॉलर्स के मुकाबले उसका एक प्राइस सेट करना काफी मुश्किल था। इसलिए रशिया के ट्रेडर्स भारत से इंडियन रुपीस और यूएई धीरम में पेमेंट लेने के लिए मान गए हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक भारत बल्क अमाउंट में रशिया से थर्मल कोल परचेज कर रहा है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट, स्टील और बाकी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डेटा के मुताबिक इस साल जून महीने में पिछले 7 से 8 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और क्रूड ऑयल की तरह रशिया भारत का बहुत ही बड़ा कोल सप्लायर बनकर उभरेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि
इस मुश्किल की घड़ी में रशिया का साथ देने का भारत को क्या कल को फायदा होगा हाँ, या फिर ना रशिया इस चीज को भूल जाएगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कह रहे रशिया भूल जाएगा, नहीं होता अब रशिया इस टाइम में कहते हो पूरे यूरोप भी मतलब इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करे ना तो एक अकेला रशिया उनके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया अब रशिया इस टाइम इतना ज्यादा खुश है ना भारत से, मैं कहता हूँ इतना किसी कंट्री से खुश नहीं है। 1% भाई कहाँ पे और कहाँ 18% अपनी नीड्स इंडिया पूरी कर, और 8 साल का कोल का भी रिकॉर्ड टूट रहा है, वो भी रिकॉर्ड टूटने लगा है। और अभी वो भी जो 4-5 बिलियन का वो लेते थे इंडिया, उससे भी ज्यादा उठा लेगा। देखो 30% डिस्काउंट भी दे रहा है पूरी दुनिया के मुकाबले में, और इंडिया मैं कहता हूँ धड़ धड़ सारी चीजें खरीद रहा है। और मजे की तो मैं बात बताऊं यार, अगर देखा जाए ना, देखो जिस तरह और मुल्क डर रहे थे कि इंडिया अमेरिका सैंक्शन न लगा दे या जो कुछ भी है, कहते हैं मुश्किल टाइम पे दोस्त जो सामने आया वही सच्चा दोस्त, वही सच्चा दोस्त होता है। इंडिया ने थामा उसका इंडिया ने सही बात है, उसने इंडिया ने कोई परवाह नहीं की सैंक्शन की, इंडिया को बहुत धमकी दी, इंडिया उल्टा उनके मुंह बंद कर रहा था कि तुम आगे बीच में ना, हमारा इंटरनल मैटर। दूसरी बात है इंडिया को देखो, इन्होंने ट्रेड करनी थी तो कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए था, उन्होंने इस तरह किया कि रुपये और रूबल में भी कर आसानी उनके लिए और पैदा कर दी है, अभी तो और भी जो है ना आसानी पैदा कर दी कि अनलिमिटेड जो है ना आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो, ट्रांजेक्शन हो रही है इंडिया की तो दिन बहुत बहुत अच्छा की बात, वहीं से कोल पेट्रोल सारा आके रिफाइन होके जा रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि रशिया चाइना की तरफ बहुत ज्यादा झुक गया था, बिल्कुल। मैं कहता हूँ अब सारी दुनिया एक साइड पे हो जाए ना और इंडिया एक साइड पे हो जाए तो रशिया के साथ हूं, इंडिया के साथ हूं, जितनी पॉपुलेशन है उनकी वो बैकवर्ड कर रही है ना, इतनी इंडिया की मतलब टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ इंडिया की मतलब उससे 1.5 गुना कर दो एक तरह से, वो कर दो इंडिया के पास जितनी पॉपुलेशन है वो ना, अगर चाइना मिला दो तो बात कहाँ चली जाती है, चाइना मिला दो फिर गेम ही खत्म हो जाती है। यानी रशिया को फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क यूरोप को पड़ रहा है, उधर महंगाई बहुत उधर महंगाई, वो अपने पाँव में कुल्हाड़ा मार रहे हैं, ये बात बॉर्डर से आ जाती थी सामान फौरन लोग अपना मिल गैस भी मिल जाती थी, कोल भी मिल जाता था, लेकिन उन्होंने अमेरिका की बातों में आके भाई बिल्कुल भाई, अब वो अफसोस कर रहे होंगे। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, किसी का साची बोला मतलब हाँ, वो अगलों को खराब ही करता है, कुछ सात समंदर पार। और इस टाइम रशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने मजबूत, इतनी फ्रेंडशिप मजबूत हो गई है कि मैं कहता हूँ इसमें कोई देश भी आ जाए वो इसको तोड़ नहीं तोड़ सकता। गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार भाई।